आज हम लोग बनाएंगे पंजाब स्पेशल छोले। ये छोले में हम डालेंगे स्पेशल तड़का, स्पेशल स्वाद। इस छोले को आप पूड़ी, नान, भटूरे के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि इस छोले में आपको किसी भी तरह की पोटली बना करके छोले को उबालने की जरूरत नहीं है। बिना पोटली के बनाए आसान तरीके से कैसे काला करके चने को छोले बनाने हैं, वो इस ट्रिक के साथ मैं इस वीडियो में पूरी रेसिपी भी बताऊंगी और कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी छोले बनाने से जुड़े हुए। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। नए यूजर हैं चैनल पे, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आगे भी और भी वीडियोस देखनी हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो से आप लोगों को सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाब स्पेशल छोले बनाना कुछ छोटे छोटे टिप्स के साथ। तो सबसे पहले सामग्री, यहाँ पे मैंने 3 मुट्ठी छोले भिगा लिए थे, रात में ही भिगा लिए थे। 2 प्याज को काट लिया है बड़े बड़े पीसेज में। लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, खड़ा जीरा, 1 पूरा लहसुन की कलियां छिली हुई, अदरक के टुकड़े, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, धनिया पत्ती और चाय पत्ती। अब ये पोटली नहीं बनानी हमें चाय पत्ती या गरम मसाले का, तो सबसे पहले हम लोग उबालने की ट्रिक देख लेते हैं। एक पैन में पानी लेंगे 1.5 गिलास, यानी कि 3 मुट्ठी छोले के लिए 1.5 गिलास पानी लेंगे। उसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाय पत्ती और अब इसको चढ़ा देंगे बॉयल होने के लिए। इसको तेज आंच पे बॉयल कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक पैन में हम लोग ने जो प्याज काट के रखे, 2 बड़े साइज का प्याज है, मीडियम साइज में 3 प्याज लगेंगे, उसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके प्याज को एक तरफ से बॉयल होने के लिए चढ़ा देंगे और एक तरफ छोले को उबालने के लिए इस पानी को तैयार करना है हमें चाय पत्ती और गरम मसाले का पानी। नॉर्मली जब छोले बनाते हो तो उसमें हमें मलमल के कपड़े या कॉटन के कपड़े में पोटली बनाने का एक झंझट करना पड़ता है, पर यहाँ आपको ऐसा कोई भी झंझट नहीं करना और ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अब ये पानी अच्छे से बॉयल हो गया, इसको छान देंगे और इस पानी में ही जो हमने छोले भिगा करके रखे थे, 3 मुट्ठी छोले मैंने भिगाए थे, उसी हिसाब से मैं आपको सारी मात्रा बता रही हूँ। तो उस छोले को इसमें डाल देंगे, 3 मुट्ठी छोले जो रात में ही आपको पानी से धुल के भिगा देना है। जब भी आप कोई भी अनाज रात में भिगाते हैं तो हमेशा उसको धुल करके भिगाइए। इसके पीछे की टिप ये है, देखिए अब इसमें मैंने यहाँ डाला 2 चुटकी खाने वाला सोडा और हल्का सा नमक डालेंगे इसमें और इसको बंद करके मीडियम आंच पे 4 से 5 सीटी होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब भी आप कोई अनाज भिगाते हैं तो उसको धुले जरूर, क्योंकि उसमें कई तरह की दवाइयां पड़ी होती हैं अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए, और वो साथ में भिगाने से वो साथ में भीग जाती है और अंदर तक भिन जाती है, इसलिए धुल करके भिगाना चाहिए। अब प्याज को 2 से 3 बॉयल लगाने के बाद प्याज का पानी अलग कर लेंगे और इसको मिक्सी के जार में पीसेंगे। ठंडा होने पे मिक्सी की जार चलाएंगे। यहाँ मैंने प्याज डाला, 2 टमाटर डाले, 1 पूरा लहसुन की कलियां, कुछ अदरक के टुकड़े, ये कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद 1 चम्मच खड़ा जीरा। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि प्याज बॉयल करके डालने से क्या फायदे होते हैं। इसके बाद मैंने डाला 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और अगर बाजार का है तो 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करें, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 से 1.25 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि थोड़े छोले जो है ना वो थोड़े से तीखे अच्छे लगते हैं। नमक स्वाद अनुसार ये याद रख करके कि आपने चने को बॉयल होने जो दिया उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला है और गरम मसाला भी उसी अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि आपने जो चना बॉयल किया है उसमें भी आपने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि छोले पंजाब के हैं तो थोड़े चटपटे भी होने चाहिए। और अब इसमें को हम लोग मिक्सी के जार को चला के इसको पेस्ट बना लेंगे, यानी कि मसाला पीस लेंगे। इस तरह से ये देखिए मसाला तैयार हो गया। अब प्याज को बॉयल करने का रीज़न ये है कि अगर आप प्याज को बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं तो जो उसकी तेज झार होती है ना वो कम हो जाती है। दूसरा, छोले की ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, ऐसा नहीं होता कि छोले अलग और पानी अलग होते हैं। तीसरी चीज़ कि छोले के मसाला भूनने में बहुत कम समय लगता है क्योंकि प्याज ऑलरेडी पक चुका है। तो प्याज को बॉयल करके इस्तेमाल करने के कितने खास फायदे हैं ये आपने देखा। अब इसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है बड़े साइज के चम्मच से, 2 तेज पत्ते, 1 लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग का तड़का। हींग इसलिए क्योंकि छोले बहुत लोगों को हजम नहीं होते हैं, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है यानी कि एसिडिटी, तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ हींग डाल करके बनाते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपको हजम हो जाती है।
तो बड़े बुजुर्गों घर में या बच्चे खाते हैं तो उनके लिए तो हींग बहुत ही अच्छा है और साथ ही हींग स्वाद को भी बढ़ाता है। अब जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे, जिसमें ऑलरेडी सब चीज़ हमने नमक तक भी ऐड कर ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम आंच पर मसाले को भूनना है। मसाले भूनने की पहचान ये होती है कि जब मसाला बहुत अच्छे से तेल छोड़ दे तो समझिए कि मसाले भून गए। आपको आज मसाले भूनने में बहुत कम वक्त लगेगा, इसलिए क्योंकि आपने प्याज ऑलरेडी बॉयल करके इस्तेमाल किया है। छोले में 4 से 5 सीटी लग गई, इस तरह से देखिए छोले बहुत अच्छे गल गए हैं, छोले ब्राउनिश हो गए हैं क्योंकि चाय पत्ती और गरम मसाला के पानी में हमने इसे बॉयल किया है। खाने वाले सोडे के कारण ये बहुत कम सीटी में गल जाता है और थोड़ा सा नमक डालने से छोले के अंदर तक नमक भीन जाता है। अब मसाले को बीच बीच में आपको चला लेना है। मसाले जब आपको बहुत जल्दी में बनाने हैं तो उसके लिए एक ट्रिक ये भी है कि आप जब अगर घर में गरम मसाला या कोई भी मसाला बना रहे हैं तो उसको तवे पे रोस्ट करके रखिए एयर टाइट डब्बे में। तो अगर आप कभी बहुत हड़बड़ी में भी सब्जी बनाती हैं तो आपको मसाला बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मसालों में कीड़े भी नहीं लगते भून उसको रोस्ट करके रखने से। अब इस मसाले भून गए तो मैंने छोले पानी सहित डाल दिए और उसको उस कुकर को बंद कर दिया और 2 सीटी लगाया मीडियम आंच पे। तब तक हम लोग तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया देशी घी 1 से 1.25 चम्मच, 3 से 4 कलियाँ खड़ी लहसुन की और थोड़ा सा खड़ा जीरा, थोड़े से छोटे छोटे बारीक कटे हुए टमाटर के टुकड़े। ये स्पेशल तड़का होता है कढ़ाई छोले का या पंजाबी छोले का, जो ना सिर्फ छोले का टेस्ट बढ़ाता है बल्कि छोले के लुक को भी बहुत अच्छे बढ़ाता है और जब आप गेस्ट को सर्व करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर अभी तक वीडियो देखी और लाइक नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करिएगा, कमेंट करिएगा।